नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं प्रखंड कार्यालय फूलगढ़ा के ठीक सामने शिव दुर्गा मंदिर प्रांगण कैंपस में, और यहाँ पे निर्माण कारगर फेडरेशन बिहार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिला लखीसराय का चौथा सम्मेलन आज यहाँ किया जा रहा था। और यहीं पे है बिहार राज्य के फेडरेशन के महासचिव नारायण पुंडे जी, इनसे बात करते हैं कि आज का जो यह सम्मेलन रखा गया और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि संचालन हमारा कैसे हो, कितना अच्छा से संचालन हो। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में हमारा काम बड़ा खुश हो गया था या नहीं के बराबर था। मीडिया से हम लोग समझता ध्यान चलाए, इसका सम्मेलन किए और बुलाने का मिला कि उसको स्वयं प्रवर्तन पदाधिकारी डॉक्टर स्थल जाँच करना तो उनको जाना है। आप बार बार बुलाते हैं और अपने नाला स्पष्ट मामला है, भ्रष्टाचार का मामला। आपको मालूम होना चाहिए बेटी के शादी में 50,000 मिलता है, 10 से 20,000 ये लोग कट लेते हैं। मुहैया नहीं हो रहा है, सुनिश्चित नहीं हो रहा है। जिसको हो रहा है वो कमीशन भ्रष्टाचार के सवाल चालू होने के लिए एक सवाल मेरा और होगा सर आपसे कि निर्माण कारगर जो है, जो कामगार है, वो अभी मान लीजिए जो जितना मान लीजिए जिनका रजिस्ट्रेशन शुरू में हो चुका है और अभी फिलहाल लॉकडाउन के बाद से नहीं हो रहा है, तो क्या आगे मान लीजिए कि कब तक कार्य की कुछ ऐसे भी हैं यहाँ के जो कि चाहते हैं कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन इस संगठन में हो, तो वो कब तक शुरू होगा? कोई भी कानून जब बन जाता है जब 18 साल का कोई होगा तो रहेगा, नया बनेगा, जिसका बन गया है वो तो है, जो बनाना चाहता है वो इंडियन के संपर्क में आता है तो इंडियन समझता है कि निर्माण मजदूर है, उसको प्रतिभाग करता है और उनको लेना है। और कॉमन सिविल सेंटर जो बनाए हैं उसमें ऑनलाइन करने के लिए पैसा नहीं लगना है, मतलब पैसा श्रम विभाग को देना। नहीं, मेरा सवाल इसलिए आज आप ही का कहना था कि ना नवीकरण हो रहा है ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। बात तो मेरा नहीं, तो वो पैसा मांगते हैं या श्रम अधिकारी के देख रेख में होना है, तो श्रम अधिकारी इसमें बिना हवाला करते हैं और ऑनलाइन श्रम अधिकारी भी हो गया होगा, सब किसी का रजिस्ट्रेशन होगा हो सकता है बचवा का नाम आवे।
जब 13 मार्च को जो आपका पूरे बिहार का निर्माण कामगार जो है उनके द्वारा विधानसभा के सामने आपका जो धरना प्रदर्शन होगा, उसके लिए इस कुलगढ़ा क्षेत्र लखीसराय के कामगार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और यही पे है लखीसराय जिला के निर्माण कामगार यूनियन के महासचिव लखीसराय जिला के, आपका कुछ कहना है? और सर का कहना था कि यहाँ जो किसी भी सरकार जो आपका ये का सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है, लाभ में थोड़ी का मामला है, थोड़ी के मामले को मिटाने के लिए आपका कुछ प्रयास है? प्रयास रहेगा सर। अभी एक आशीष सिंह हमारे एनजीओ आ रहे हैं, प्रखंड है उनके पास, तो उनका है कि सीधा निकाल के रहना है, यहाँ आना नहीं। अगर यहाँ आए दो चार ऐसे दलाल कराकर ऊपर से संपर्क करके, अगर मिले गए हम तो बोलेगा सीधा उनसे संपर्क कर लो जो कंप्यूटर चला रहे और कंप्यूटर वाले सीधा है आंदोलन जिला सम्मेलन आज हम कर रहे हैं 13 मार्च को, ये पटना राजभवन पर मार्च करेंगे और उसमें ये विज्ञापन दे दिया जाएगा मुख्यमंत्री को कि ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी दिया गया है, लिखा है ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आशीष सिंह इनका भी है कुछ कहना, क्या कहें? मैं यह कहूँगा कि कोर्ट के जमाने कोर्ट के समय से 6 से यह आंदोलन चल रहा है और आज इस रूप में यह आंदोलन हमने विकसित किया और हमने मजदूरों का निबंधन करवाया, सबसे जिले में सबसे ज्यादा निबंधन हमारे जिले में। लेकिन जो अनुदान राशि देने की प्रक्रिया हुई तो हमको यूनियन के साथ आकर के घर करके हाईकोर्ट तक जा करके अनुदान प्राप्त करना है। आज की जो स्थिति है, आज हमने अपने यूनियन के लड़ाई के बल पर हर प्रखंड में अपने लेबर इंस्पेक्टर पास किए, हमने हर प्रखंड में ऑफिस बैठाने का दफ्तर दिया और आज हमारे आपपुर में हमारे लेबर इंस्पेक्टर यहाँ बैठते हैं। आज का हम लोग कार्यालय पूरा हुआ है लेकिन वो बैठते नहीं है, क्यों डरता? कोई सुनने वाला नहीं है। और फुल जो हमारे उनको एजेंट बहाल किया अपने कार को ना, और जो निबंधन का काम करवा दिया किसी से 15,000 की जैसे 2,000 रुपया लेकर के निबंधन में भी असूली की गई और जो अनुदान लड़कर के जमाने का लेकिन नहीं तो 30% 40% तक अनुदान में कमीशन जो कहता था ऊपर भी जाता और अभी तक उसी प्रकार की व्यवस्था व्याप्त है, इसको दूर करने की कोशिश हमारे लड़ाई के बल पर करेंगे, बल्कि आप तमाम पत्रकारों से मेरा अनुरोध होगा कि आप इस बात को उठाएं, इस सम्मेलन के माध्यम से आप कहेंगे तुम अपने परमंडल के तमाम वीरों को करीब कर देंगे आपके मांग के साथ। देख ले कि इनका एक इस पूरे संगठन के सभी व्यक्ति का एक मत से एक आरोप है कि यहाँ जो है क्या कौन नहीं बैठते हैं लेबर इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पे उनका कार्यालय खुला हुआ है लेकिन उस कार्यालय में वो बैठना उचित नहीं समझते हैं और एक तरफ से कहा जाए कि उन पे गंभीर आरोप एक मत से लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी
अनुदान कहा जाए सरकार की योजनाओं का है उसके मिलने में प्राप्त होने में बहुत ही फजीहत झेलना पड़ता है और कहा जाए एक तरह से कि रिश्वत की भी मांग की जाती है। यही कहना है, यही कहना। और पुराने समय से जो हमारे देश के पूर्व वलियों थे उनके द्वारा एक ऐसे गैंग को पैदा किया गया जो उनका काम जो था निवेदन करना था वह गैंग के सहारे चौड़िए के सहारे या बेमानों के सहारे कमीशन लेने के लिए वो काम करना कि वो आज मैंने कर दिया। मैंने जो निर्माण कार्य जो नहीं है उनका भी नाम मैंने पैसा लेकर के जोड़ करके मैंने ये कर रहा है इसकी जांच कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। ये देखें कि इनका कहना है कि जो कुछ ऐसे भी हैं जो कि निर्माण कामगार नहीं है और उनका भी रजिस्ट्रेशन निबंधन पैसा लेकर के करवा दिया जा रहा है। यह एक तरह से कहा जाए कि सूरजगढ़ा के लेबर इंस्पेक्टर पे इस संगठन के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इस आरोप में कितनी है सत्यता, इस सत्यता के लिए उनसे भी रहेगा मेरा सवाल और उनसे करेंगे मुलाकात कि आखिर इनके द्वारा लगाए गए सवालों पे कितनी बड़ी है सत्यता। और कुछ हाँ, मेरा एक सवाल, यह हमारा क्षेत्र है सूरजगढ़ा नगर परिषद और नगर परिषद की देख रेख के लिए सुप्रिंटेंडेंट की बात है, यहाँ सुप्रिंटेंडेंट भी आना चाहिए, सिर्फ लेबर इंस्पेक्टर से नहीं बल्कि सुप्रिंटेंडेंट की बात हो और नगर परिषद क्षेत्र का सारा काम सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा हम इससे वंचित हो रहे हैं, इसलिए सुप्रिंटेंडेंट की बहाली नगर परिषद की चाहिए। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।